वेलकम टू माय चैनल। मेरी आज की रेसिपी है सूजी की मिठाई। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाता है ये। तो देख लीजिए मैंने इसको बनाने के लिए क्या क्या लिया है। ये 4 टेबलस्पून चीनी, आधी कटोरी सूजी, 1 कटोरी ये नारियल है कद्दूकस किया हुआ, आप चाहें तो इसको बारीक पाउडर भी ले सकते हैं इसका। ये है मैदा 1 कटोरी, इलायची पाउडर है ये कुटी हुई इलायची है 1/2 चम्मच, और 1 चुटकी नमक। और तलने के लिए हम रिफाइंड को लेंगे। तो चलिए हम अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें ये हमारा नारियल डालेंगे कद्दूकस किया हुआ, इसमें हमको रिफाइंड या घी का इस्तेमाल नहीं करना है, इसको हमको ऐसे ही भूनना है। इसको हम हल्का पहले भून लेंगे। इसमें डालेंगे इलायची पाउडर, इसको हम अच्छे से भून लेंगे 1 मिनट के लिए। इसको मीडियम फ्लेम पे इसको हमको भूनना है। जो हमने 4 चम्मच चीनी ली थी इसमें से हम 3 चम्मच चीनी इसमें मिला देंगे। चीनी जब तक हमारी पिघल नहीं जाए तब तक इसको हम थोड़ी देर भून लेंगे। इसमें हम 2 चम्मच पानी डालेंगे। हमारी चीनी जो है अच्छे से नारियल में मिक्स हो जाए और इसको हम थोड़ा सा पानी जो है हम उसको सुखा लेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा ये फूड कलर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें नहीं तो इसको नहीं डालें, ऐसे ही इसको बना लें। हमारी चीनी पूरी अच्छी से नारियल में मिल गई है। अभी मैं इसको 1 मिनट के लिए इस तरह से पकाने के बाद इसको गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडे होने के लिए रख देंगे। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब हम इसमें पहले 2 कटोरी पानी लेंगे। 2 कटोरी पानी इसको डालकर हम उबलने के लिए पहले रखेंगे। पानी हमारा उबल चुका है, अब हम इसमें वो बचा हुआ 1 चम्मच चीनी इसमें डालेंगे, 1 चुटकी नमक, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। चीनी हमारा बिल्कुल अच्छे से घुल जाना चाहिए पानी में। हमारा अच्छे से घुल चुका है, अब हम इसमें धीरे धीरे करके 1/2 कटोरी जो सूजी हमने ली है इसको हम पानी में मिक्स करेंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके इसको हम मिक्स करेंगे। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हम इसको मिक्स करेंगे। सूजी हमारी अच्छे से घुल जानी चाहिए, मिक्स हो जानी चाहिए, बिल्कुल इसमें कोई भी गांठ नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल लो फ्लेम पे अब हम इसमें हमारा मैदा डालेंगे, इसको भी हम लो फ्लेम पर ही अच्छे से धीरे धीरे मिक्स कर लेंगे। इसमें हम 1/2 चम्मच देसी घी डालेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो रिफाइंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने इसको पहले दिखाया नहीं था। आप इसमें 1/2 चम्मच घी या नहीं तो इसके बजाय आप रिफाइंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। ये हमारा अच्छे से सूजी मैदा ये सब हमारा मिक्स हो चुका है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए थोड़ा रख देते हैं। ठंडे होने के बाद हम इसको आगे बनाएंगे। इस आटे को हम अब अच्छे से
थोड़ा बन जाए। अच्छे से हमको इसको मिला लेना है, सूजी और मैदा को जो हमने मिक्स करके बनाया था, ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। इसका हम इस तरह से छोटा छोटा इस तरह का बॉल बना लेंगे इस तरह से, और इसको फिर हम इस तरह से ऐसे कर बना लेंगे। और इसमें हमने जो ये नारियल का भून कर लिया हुआ था, इसको हम इसके अंदर इस तरह से भर देंगे, और इस तरह से इसको हम बंद कर देंगे आप चाहे तो इस तरह से भी करके बना सकते हैं, इसको इस तरह से दाब कर, या फिर इसको इस तरह से हम इस तरह से हम इसको कर देंगे, और इसको ऊपर से हम इस तरह से हल्का सा दाब देंगे। तो चलिए इस तरह से हम सारा हम अपना आटा जो है इस तरह से बना लेते हैं। तो लीजिए हमने ये सारा इस तरह से भर कर अपना तैयार कर लिया। आप चाहे मन जैसा भी मन में डिजाइन हो उस तरह के डिजाइन का आप बनाएं, मैंने सारे इस तरह से डिजाइन बनाए हैं। अब चलिए हम इसको तल लेते हैं, अब हम इसको फ्राई कर लेंगे इस तरह से। इसको हमको मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है, एकदम धीमी आंच पे फ्राई हम नहीं करेंगे। एक एक करके हमको सारा ये सूजी का जो मिठाई बना रहे हैं इसको हम इस तरह से डाल देंगे। इसको थोड़ा थोड़ा इस तरह से हिलाते रहेंगे। सूजी की मिठाई बनकर तैयार हो गई है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।